यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव का कार्यकाल इस महीने पूरा हो जाएगा। यूपीसीएल सहित सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राज्य सरकार उनको 2 साल का सेवा विस्तार देने जा रही है। अनिल यादव के सेवा विस्तार पर सोशल मीडिया में जंग छिड़ी हुई है। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव पर युवा नेता बॉबी पवार समेत कई लोगों ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनके बेटे की फर्म को लेकर पटेल नगर थाने में भी केस दर्ज है और इस पर पिछले 2 साल से जांच लंबित है। विजिलेंस जांच भी चल रही है। एडवोकेट सुनील गुप्ता ने दिल्ली में 28 मई को प्रेस वार्ता कर यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव पर 200 करोड़ की संपत्ति बटोरने का दावा किया था। बॉबी पवार ने कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता कर अनिल यादव के आय से अधिक संपत्ति का मामला उठाया था। बॉबी ने अनिल यादव पर स्वयं पत्नी पुत्र और पुत्री के नाम पर आय से अधिक संपत्ति बटोरने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर जांच भी बैठी थी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी वो यूपीसीएल के जो एमडी है अनिल कुमार यादव, ये उनके ऊपर थी। उनके ऊपर का मतलब है कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार पूर्व में किया गया है, जब मुख्य अभियंता पिटकुल हो रहे थे तब उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था और जांच कमेटी के द्वारा सिद्ध किया गया था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है और ये भ्रष्टाचार अपने स्तर पर भी और अपने बेटे के नाम फर्म बनाकर या अपने बेटे के अकाउंट में दूसरे फर्मों से पैसा डलवाकर या तमाम प्रकार के जो आरोप उन पर लगे थे वो आरोप सिद्ध हुए थे। और उन आरोपों की पुष्टि होने के बाद जब जांच समिति ने ये लिख दिया था कि विभाग विजिलेंस से इनकी जांच करवाएं या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें, परंतु विभाग ने ना तो उन पर जाँच करवाई और जाँच ना करवाने के बाद उनको आगे पदोन्नत करते गए और उन्हें आगे भेजते गए। आज स्थिति यह है कि अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन अधिकारियों ने अखंड भ्रष्टाचार विभागों में किया है और उसके बाद जब चीज़ें निकल कर आई तो उनके नाम पर देखी जा रही है कि उनके नाम और उनके परिवार के नाम 100 से 150 करोड़ 200 करोड़ के बीच संपत्ति का जो ब्यौरा हम लोग दे रहे हैं कि इतनी संपत्ति अर्जित की गई है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है। जिस तरीके से अधिकारी को एक्सटेंशन दिया जाता है, अभी जबकि अनिल यादव जो यूपीसीएल के एमडी है उनके काफी भ्रष्टाचार, लेकिन उनको 2 साल का फिर दिया जा रहा है। देखिए, मैं सिद्धांत इस बात का पक्षधर नहीं हूँ अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाए। एक सेवानिवृत्ति की एक उम्र है, उसके बाद सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और बाकी लोगों को मौके मिलने चाहिए। तो सिद्धांत मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। मैं नगर निगम में भी रहा था लेकिन कभी मैंने एक्सटेंशन की सिफारिश नहीं की और मैं उसके पक्ष में कभी भी नहीं रहा। निश्चित रूप से सरकार पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, यूपीसीएल है, पिटकुल है, आपका यूजेबीएनएल है, आपका तकनीकी शिक्षा परिषद है, ये सब तो एक्सटेंशन में चल रहा है। महत्वपूर्ण विभाग जितने हैं सारे के सारे एक्सटेंशन में चल रहे हैं और पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। और निश्चित रूप से एक्सटेंशन मिलने से जो जूनियर अधिकारी होते हैं उनके मनोबल उनका टूटता है, उनकी मनोवृत्ति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इससे सबसे बड़ी बात जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात होती है।